हर जगह पेपर पढ़ते हैं, आपका भी एक रेनू आईवीएफ है, क्या कॉस्ट आती है इसके लगभग? पहले तो ये बताऊंगी कि कितने परसेंटेज लोगों को आईवीएफ की ज़रूरत पड़ती है। बहुत कम, मात्र 1-2% लोग जिनकी ट्यूब्स बंद हैं व दूरबीन विधि द्वारा भी हम ट्यूब्स नहीं खोल पा रहे हैं, ऐसे लोगों को। पुरुषों में नील शुक्राणु हैं, बहुत कोशिश करने के बाद भी शुक्राणु नहीं बढ़ रहे हैं। सभी तरीके के दवाइयों से इलाज करने के बाद, दूरबीन विधि से टेस्ट करने के बाद, सब तरीके की विधाएँ इस्तेमाल करने के बाद, जब किसी भी विधा से महिला को नहीं होता है, तब हम लोग IVF पे या टेस्ट ट्यूब बेबी पे जाते हैं, ठीक है। और बेसिकली कॉस्ट की अगर बात करेंगे तो ये 1.25-2 लाख रुपए के बीच में कानपुर में हमारे यहाँ जो IVF है उसका, रेनू IVF जो है उसमें खर्चा। रेनू भाई, जो बात आती है रेनू IVF, ये कहाँ तक, अब तक सक्सेस पहुँचा है? आप सबके आशीर्वाद से हम लोग IVF और ICSI का मिला जुला कॉम्बिनेशन करते हैं, प्लस साथ में लैप्रोस्कोपिक सर्जरी से मैं कोशिश करती हूँ कि महिलाओं को ट्यूब्स को खोल पाऊँ। दूरबीन विधि से अगर किसी को बच्चेदानी के अंदर जाला है, पर्दा है, झिल्ली है, तो उसको भी कट करने से अपने आप प्रेगनेंसी आती है। महिलाओं के ट्यूब खोलने से भी अपने आप प्रेगनेंसी आती है। बच्चेदानी में गांठ है, रसौली है, एंडोमेट्रियोसिस है, एडिनोमायोसिस है, इन सब विधाओं का भी दूरबीन, लेप्रोस्कोपी और हिस्ट्रोस्कोपी विधि का इस्तेमाल करने से ज़्यादातर महिलाओं में हमारे प्रेगनेंसीज आ जाती हैं। बाकी वो महिलाएं जिनमें सभी विधाएं इस्तेमाल करने के बाद नहीं आती, तो अपने यहाँ जो IVF का सक्सेस रेट है वो 50% से लेकर 70% तक है। 70% हमने बहुत अच्छी वक्त की। आप लोग भी अगर IVF के बारे में कोई भी जानकारी जानना चाहें, कमेंट बॉक्स में, मैम का यूट्यूब चैनल है डॉक्टर रेनू सिंह गहलोत के नाम से, आप वहाँ पे जाके, मेल आईडी है मैम की, फ़ोन नंबर दिए गए हैं, आप व्हाट्सएप कॉल करके मैम से सलाह ले सकते हैं, परामर्श कर सकते हैं, और मैम से कोई भी बात बिल्कुल दिल खोल कर पूछ सकते हैं। मैम सो हम्बल है, मैम ने इस चैनल पर समय दिया, इसलिए मैम थैंक यू सो मच। थैंक यू।